लक्ष्मण जी की आंखें फटी, बोले म्यो ऐसो भाग काय काम को बाकी वजह ते राम में बन जानो पड़े, ऐसे भाग में आग लगाओ ना। बोले तेरे को पता नहीं है बेटा। बोले तो बताओ। अरे तेरे फन पे ज्यादा वजन है गो धरती पे, तो त्योने को वजन कम है जाए, हल्को है जाए, ताते धरती के बोझ कम करवे जा रहे हैं। समझे? लक्ष्मण जी ने कहा जय समझ गया। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर ही तो तात कछु ना। सकल सुकृत फल सकल सुकृत कर, बड़ फल ए हो। राम सिय पद सहज सने, राम सिय पद सहज सने। बेटा दूसरा कोई कारण नहीं है, ये वनवास फनवास वचन वचन ये सब तो वैसी एक नाटक है, असली कारण तो तेरो भाग जो है, तेरो तू ही उसका, तेरी खातिर राम बन जा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े राम जी के पास गए और सीता जी जो है कहती हैं, रघुबर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। अब ये दोनों जने देखो पीरे पीरे कपड़ा पहन रखे हैं, जिन्हें जो परीक्षित और यज्ञपति बने हैं, तो जिनके संग में जो जिनकी घरवाई है बिन्ने पीरे पीरे कपड़ा पहन ले, काय को पहन ले। जो मेरे रघुवर जोगिया बने हैं, जो मेरे रघुवर जोगिया बने हैं, जोगन बन जाऊं अपना अवध में रहना। कथा में तुम्हें यहां न आना है न बोलना है, हटो यहां से। चलती कथा में तुम्हें अकल नहीं है बिल्कुल, कितनी कथा कहां चल रही क्या हो रहा है, इतना व्यवस्थापक न बनो।
मतलब तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है, रंग में भंग डाल दे। हरि बोल। Hey, hey, hey!
तीनों प्राणी वन को चले हैं भैया, राम लक्ष्मण सीता जी तमसा नदी के किनारे सभी को राधी रात पे छोड़ करके भगवान आगे बढ़े, पहुंचे हैं केवट के घाट पर। ए भैया केवट, अरे हमें पार जाना है। भैया नाव इधर ले आओ। अरे भैया अपनी नाव जरा इधर ले आओ, हमको पार जाना है। केवट तो सुन ही नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है कि कान फूट गए, सुन तो सब रहा है। हैं? गांव में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सुनते सब कुछ हैं, पर ऐसे बनते हैं कि हमने कुछ सुना ही नहीं है। गांव वालों में कहते हैं सीढ़ी बन के हलवा खा रहे हैं। सुन रहा है सब। मागीनाव न केवट आना, मागीनाव न केवट आना, कहे भैया हमको पार होना है। तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं, तुम सुनते नहीं हो। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कह, मोहि पद पदुम पखारन कह। भगवान से बहुत देर जो है जिद्द में जिद्दा भाई, आखिरकार जब भगवान ने देखा कि बैस नहीं माने को, तो फिर कहनी पड़ी कि भैया ना मानो तो तेई नाव बची रहे और हम गंगा पार है जाए, बा कामे तू कर ले। आप साहब खुशी को ठिकानो नहीं। ध्येयम् सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम वृत्यार्तिहन प्रणत पाल भवादिपो। बस सोफा है, इधर कर दो जा साइड में, उधर जगह है जाएगी। सोफा है जा साइड में कर दो। केवट कहता है अरे जिन चरणों को छूने के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, हैं? जिन्हें भी कभी कभी छूने का मौका मिलता है, एक बार जिन्होंने जो है नेक पानी अंगूठा पे ढारे के धल्लो हो तो गंगा जी बन गई, आज उन चरणों को पूरे के पूरे धोने का मौका मिलेगा मुझे? आ हा 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 हा। अरे जी बेई पामे, सुखदेव जी महाराज जैसे को प्रमाण पत्र देते हैं जनक जी महाराज, और ऐसे जनक जी को धोने का मौका मिला बड़ी मुश्किल से। जब सीता जी दई हो जन काका दयो तब है, आज उन्हीं चरणों को धोने का मौका मोए मिलेगा मोए। शंकर जी जिन चरणों का ध्यान लगाए रहते हैं और जिन चरणों के धोमन को शंकर जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं गंगा जी के रूप में,
उन चरणों का आज मुझे धोवन प्राप्त होगा, धोना प्राप्त होगा। आह ए पर्वतिया, अपनी घरवारी को आवाज लगाई, अरे देख तो सही, अरे हमारे घाट पर, हमारे घाट पे कौन आएगा बा, कौन? ए पर्वतिया सुन है के, अरे जिनके मंदिरों में दर्शन के लिए घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है, आज वो स्वयं मेरे घाट पे आकर के मेरा नाम पुकार रहे हैं। आह कितना आला मुकाम है मेरा, कितना आला मुकाम है मेरा कि उनके भी होठों पे नाम है मेरा। हाँ? अब तो मैं सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा, अब तो मैं सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि तू गुलाम है मेरा। अरे जल्दी ला पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। चरण धोने के लिए कठौती नहीं लाया, कठौता। ए मैया कठौती देखी है तो मैंने कठौती, कठौती कौन कौन देखी है ना, घाट ठाड़ी करो, सीधे करो ऊपर कठौती। आदमी भी कर सकते हैं जिन्होंने कठौती देखी हो, ऊपर देख लंदे ने, हाथ ऊपर रखो, ऐ संतन तो सबन देखी है, ठीक है नीचे कर ले। मुश्किल से 10% लोग ना है, बताओ हे भगवान का कुआ पोखर में आते जा कहूँ थारम किरथरा की थारम पोखर पोखर आते। अच्छा बताओ जिन्हें कठौती ना देखी का फायदा। अब कठौती का अपनों खुद को वजन तो उठना रहो, कठौती कैसे उठाते लोग हैं? पहले गेहूं की बोरी एक एक कुंटल की होती और बिना आदमी यही खेलते कूदते पटक देते है, फिर 80 किलो की वही, फिर तो 80 पे थे सीधे 50 पे गिरी हैं, 25 को गई। अरे मरो मौका पता ही, मैं तो अभी तक 50 की समझ लो, और तो 25 की है गई, तो आगो कलयुग। यो कहते हैं कलयुग ऐसा आवेगो के तुलसा जी के पेड़ के नीचे एक दिन ऐसा आवेगो आदमी जो है छाया ले करेगो, तुलसा जी के पेड़ के नीचे तो आदमी कैसे हो जाओ गिलहरी जैसो है, तभी तो तुलसा जी के नीचे आवेगो। तो कठौती में माताएं पहले आटा गूंथती थी, आटा मारती थी, तो कठौती नहीं लाया ये, क्योंकि कठौती है स्त्रीलिंग और कठौता है पुल्लिंग, इसलिए नहीं लाया कि धोते समय छूते ही यदि जामे थे कछु बना बनी भई तो कम से कम बनेगी नहीं बनेगो, बनेगी नहीं बनेगो तो कम से कम काम आवेगो, नावे चलावे करवे में है? और बन गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कठौती नहीं लाया। क्या लाया? कठौता, पानी कठवता भर ले आवा।
भरने आवा केवट राम रजा यशु पा एक आनंद होता है, एक अति आनंद होता है। आनंद होता है उससे भी बड़ा होता है अति आनंद। आज केवट की दशा क्या है? अति आनंद अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा जी। आकाश मार्ग में आ गए, सभी देवताओं को बुला लिया कि ले तुम रह गए और जे बाजी मार गया, बाजी जीत गया और तुम रह गए हैं। देवता तो अमृत में ही रह गए और जे चरणामृत ले गया। अमृत भोग देता है, अमृत भोग देता है और गुरु का और परमात्मा का चरणामृत भोग नहीं भक्ति प्रदान करता है, है? आकाश में आ गए देवलोग और मेरे पे रहो नहीं गयो, ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। परसे सुमन सुर सकल सिहाही एही सम एही सम पुण्य पुंज को नाही। एक पांव धोयो और नीचे धरती में धर दो, बांव तो फिर धूल चिपक गई। केवट बोले जी तो फिर धोनो पड़ेगा। तो भगवान बोले ऐसे तो तू दिनों रात धोते ही रहेगा भाई, जाए धरेगा धरती में बांव फिर चिपकेगी है। एक बेर जो है हम एक भक्त के यहां रुके, बहुत 15 साल पहले की बात है, समसावा क्षेत्र की बात। एक भक्त के यहाँ रुके, सो एक भक्त था जो हमारे पास बैठा रात के 8 बजे। तो बोले कि सीधो साधो भोरो बावरो सो तो भाई डर लगत हो। अब जान जान लगे तो पानी में कान के गुरु जी मुझे डर लगत हो काबू भेज दे जाते। तो मैंने एक आदमी बा घर को तू जा कर, तो मैंने समझी कि जी न ठीक ठाक होगा, डर पोषणा नहीं होगा। बू बहू को बाप ने करो सुबह छोड़वे तो गयो, आज्ञा को पालन करवे के लें कि गुरु जी ने कही है तो चलो छोड़ाऊ। जैसी भाई द्वार पे पहुंचो सुबह बोलो को भैया अब जा। सो बोले मैं कैसे जाऊं? तो बोले अब क्या करें? बोले तू मुझे छोड़ क्या? बोले तू मुझे छोड़ क्या? तो बोले चल भैया। तो वो छोड़ भी आया और सुजी बोले अब तू जा। है बोले मैं कैसे चले जाऊंगा अकेला? बोले तू मुझे छोड़ क्या? तो ऐसे कहा होगा रात भर, पूरी रात जेबी निकल जाएगी है ना। फिर वो 4-6 चक्कर लगा के 2 मेरे पास आए गए। अरे मैंने कि तू छोड़ भी ना गयो? बोले गए हो गुरु जी, पूछो जाए गजा घर तक गयो। तो मैंने फिर कहा बात है भाई? तो दूसरे बोलो कि तू छोड़ कहाँ आयो? जो तो जी बोलो कि मोह छोड़ के आ, तो फिर मैं जा छोड़ भी आयो। मैंने कि फिर कहा भयो? बोले ऐसे 5 चक्कर रह गए।
बोले फिर, बोले जी बोलियो को बारह में जान दो, यहीं सो जाओ, सवेरे देखेंगे जो कुछ होगी सो सवेरे देखेंगे। तो ऐसे ही जी पावे जाए धर की जाए धूमत रहो, जाए धर की जाए धूमत रहो, तो फिर क्या होगा, है फिर तो पार होंगे ही नहीं। फिर मैंने क्या करो, अपना अंगूछा लो धरती पे बिछा दो, अब के धो के जाप पे धरूंगो, ठीक है। अब चरण को धोने लगा तो भगवान को हिलाने लगा बहुत ज्यादा। भगवान ने की भाई इतना जोर मत लगावे, हम गिर पड़ेंगे। केवट ने कहा गिर कैसे पड़ोगे, जब तक हम हैं तुम्हें गिरने नहीं देंगे। अब भगवान जीवते कहे कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, साध लूंगा, तो लगा तो शोभा। जीव कह रहा है भगवान से कि चिंता क्यों करते हो, हम है ना, तुम्हें गिरने नहीं देंगे, है? कैसी उल्टी बात हो रही है। भगवान बोले भैया कि तू कैसे रोकेगा, बोले हमार माथो पकड़ो, हमार सिर पकड़ लो। तो भगवान ने एक हाथ बाकी माथे पर धर के और बार पकड़ लाए, माने कि फिर दूसरा पांव धोने लगे तो और जोर से हिलाया। बोले भैया हम तो एक हाथ से लग रही गिर पड़ेंगे। केवट बोलो एक हाथ से पकड़ोगे तो गिरोगे, बचनो तो दो उनते पकड़ो, है एक बचा कहां ले जा रहे हो, है बड़ी प्यारी पंक्ति है वो, मेरे सिर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, फिर सिर पर रख दो भगवान मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का से उठाना था, समझ रहे हो। धुलस रहे थे गम की धूप में प्यार की छैया कर लेना, झुलस रहे थे गम की धूप में प्यार के पीछे बोट लगा लिया करो, फालतू रखी है त्रिपा वो, नहीं तो हम डलवाओ करो पर्दे की, तो करो पर्दा के डबल टेबल करवा लिया करो उसे, फिर तो नहीं आवेगा। झुलस रहे थे गम की धूप में प्यार की छैया कर लेना, बिन माझी अब पतवार पकड़ लेना, मेरा रास्ता रोशन कर दो हो, मेरा रास्ता रोशन कर दो छाई अंधियारी, देना हो तो देना।
आधे पैसे ऊपर से उठाया करो किसी को। नर नर लोगन ठाड़ी है शर्म लगाते हैं तो बैठी बैठी ना चलो करो साज तो ऐसा बजत हो कि अपने आप मन उचकत हो तो फिर बैठी बैठी झूम लो करो। हरि बोल।
है हमने सरात को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने प्यार जो देने में कतराते हो, चाहे जैसे रख लो प्रभु जी चाहे जैसे रख लो प्रभु जी, बस होती रहे मुलाकात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म केवट ने अपनी भाव के कारण भक्ति के कारण दोनों हाथ अपने सिर पर रखवा लिए। उधर से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, एह सम पुण्य पुंज को नाहीं। देवता लोग जो है फूलों को बरसा करके चले जाते हैं। इधर क्या हुआ, जब चरण धो लिए ना तो जाको पूरा खानदान बुला लो जाने के, ऐसा मौका फिर बेर बेर मिलेगा नहीं। रेंदी पैदा बड़े बूढ़े जवान जवान सब बुला ले और सब दे कह दे लाइन में लग जा, सबको भगवान का चरणामृत मिलेगा। अब दूसरी साइड में लक्ष्मण जी और जानकी जी खड़े थे। अब जाए कब जन्म को बदलो लेने, वा कथा हम अभी नहीं सुना पाएंगे समय के अभाव में। जाए कब जन्म को बदलो लेनो, सो बोलियो सुनो जा का हुए चरणामृत लेनो हो तो लाइन में आ जाए, बिना लाइन के चाहे कोई बने रहो लक्ष्मण वो नहीं मिला वो चरणामृत। अब लेना तो लक्ष्मण जी को भी था जानकी जी को भी था। अब जानकी जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि भाई क्या इरादा है। लक्ष्मण जी बोले कब दूसरे को घाटो जाकर जो कहेगो सो करनो परेगो, तो का करें बोले लगो लाइन में। अब लाइन पहले तो लग गई तो नंबर को आवेगो सबते पीछे है, जैसे हमारे यहाँ पहले दावत होती तो पंगत बैठती दगरे न है खेत में पंगत बैठती सो भागत है आगे बैठ जाए के लिए, चूंकि पीछे तक पुआ पहुंचे पहुंचे है साकी बाल्टी गैल में खाली है गई दोबारा भर के लाया तो फिर शुरू थे लोगों ने पकड़ लो नहीं देते हैं, तो चाहे पीछे वाए तो यूं कतरे आते हो भैया मरिया है तो पिछाई तो पिछाई है हैं। तो सबसे पीछे धीमे धीमे दोनों गए ठाड़े है गए। आज जो है राम जी लक्ष्मण जी से और सीता जी से मन ही मन मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि समय का खेल होता है लक्ष्मण, किसी दिन तुमने पांव नहीं छूने दिए थे इसको है? और आज तुमको इसने लाइन में लगा दिया है? तो अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। राम जी ने कहा भैया बहुत देर रह गई, अब तो पार कर दे हैं, तेरे पांवों धो ले चरणामृत सवन पिवा दो, अब तो पार कर दे घंटन है गए हमें तो नहीं है। वैसे वो बाजमाने की बात ही बास में वो नहीं रहे तो एयरपोर्ट नहीं होता था उस समय, अभी जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं हम लोग तो
तो जहाज तक पहुंचने में घुसवे ते लेके पहुंचवे में जहाज तक पहुंचवे में न किसी दूरी होते कोई ऐसे माने कि चलो 100 फुट की दूरी होती है, कहूँ 50 ही फुट की होती है, कहूँ 20 ही फुट की होती है, तो वहाँ से वहाँ तक प्रोसेसिंग से गुजरने में 2.5 घंटा लग जाता है बड़े एयरपोर्ट पे। कभी जाके चेकिंग होगी, कभी आधार कार्ड की होगी, कभी थैला की होगी, कभी काऊ की होगी, फिर जी मिलेगा, फिर वो मिलेगा, फिर जाके वहाँ पहुँचेंगे, वहीं घूमत रहते हैं। तो आज के ज़माने में यदि ऐसा भयो हो तो भगवान का कहते कि भैया इतनी देर में तो जहाज में चढ़े में ना लगे तो जितनी तेरे नाव में चढ़ाए में कर दही है गंडन है गए अब तो चढ़ाए दे। बोले रुको अभी पहली बार इन तो पार कर दन दे तुम्हें तो जो पहले आए हैं इंतजार में लगे हैं लाइन में लगे हैं पहले बिन्ने पार करूँगा बाद में तुम्हारा नंबर आवे वो। अब लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा आई चुक बहुत देते झेल लाए है कि निर्लेप सफेद झूठ बोल लो है हम तो पहले यहाँ कोई आयो ही ना दूर दूर तक कोई दी के ना रहो है और हद है। लक्ष्मण जी बोली बारे तब तक राम जी ने सैन मटकाए बोले नहीं चुक नेक देर पीछे में जाके नाव में बैठेंगे और बाकन हमारी जिंदगी जाके हाथन में होगी इसलिए जाते बैर करबो हाँ जाते बैर करबो ठीक है ना इसलिए शांत बने रहो। राम जी ने शांति भाव से पूछी कि भैया हम तो आगे को आए हैं। बोले ने निगाह डाले कि देखो कितने लाइन में लगे हैं उनने गंगा जी के इधर उधर देखा। राम जी ने कहा भैया तब तक केवट बीच में बोले बोले न्यामत देखो ने ऊपर देखो ऊपर बोले हाँ। तब केवट ने कहा मेरे जन कितने पुरखा न जन कितने पितर लाइन में खड़े हैं पार है वे के हैं। पद पखारी जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयौले पार पितर पार करे आप सहित परिवार कितनी नो को इंतजाम कर लो है ऐसी उतराई पूरे जीवन में कब मिली है आज ऐसी उतराई मिली। जितने पितर लोक में पितर थे उन सब पे निगाह डलवाई कि देखो मेरे पुरखाए हैं हम कब थान बनवावत हैं कनागतनम पत्थर डालते हैं गंगा जी नवामत हैं रामायण सुनावत हैं काका करते हैं वाने सबसे मुक्त करके उनका बेड़ा पार कर दिया। पुत्र हो तो ऐसा हो जो बेड़ा पार कर दे। अब गंगा जी में माने जब नाव चली तो बाप पार पहुंच भी थे पहले ही माने यू टर्न कर लो बैक कर ली अपनी नाव। लक्ष्मण जी फिर देखने लगे जो कर करो राम जी बोले ए बोले मजधारो है जितो जा पानी को कीरा है। लक्ष्मण जी ने इशारे में कही कि प्रभु बहुत देर है गई जा कीरा है बहुत देर ते देख रहा हूँ आपे ना पता मैं कितना बड़ो कीरा हूँ है जितो कोई छोटो मोटो कीरा है और साँच माँच जितो कीरा हतु ना कीरा तो मैं यूं
पर आपके डर के मारे कछु कहना रहो। राम जी ने कही भैया अरे जी तो नरलीला कर रहे हैं हम, यदि यदि गंगई पार करनी होती तो ध्यान ना है कि मैं द्वय पावन में तीनों लोक ना पे भूल गो। बोले हाँ, तो बोले वो सब यहाँ दिखाना ना, मैं बॉस गिरी अपने जेब में धर के रखो, जैसे एक मनुष्य लीला होती है वैसे करो। बोले ठीक है करो और सुनवा है घूमो नाव में नहीं। अब राम जी की बड़ी आफत है, कभी जाय समारे कभी भय समारे, और ये दोनों एक तो एक ऊपर है। राम जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्यार से पूछी कि भैया जी तने नाव मोड़ लई है, जाते आए हम तितई को चलन लगी जी, तो के बैठने कोई दिक्कत है आपको? बोले दिक्कत तो कछु ना है, पर मतलब ले कहाँ जा रहे हो तू? अभी ये बच्चे निकाल रहे थे ना, कौन दिशा में लेके चल रे बटोरिया, कौन दिशा में लेके नर 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 कौन दिशा में लेके चल रे बटोरिया। राम जी ने कहा भैया यू तो बता ले कहाँ जा रहे हो तू? अब बैठ तो हम गए, अब हम उतरवे के तो है केवट ने कहा तुम्हें मुँह पे भरोसा ना है, है? मुँह पे भरोसा ना है? बोले भैया भरोसा हो तो तभी तो बैठ गए, पर अब भरोसा तो नाव डगमगा रही है तो हमारा भरोसा उन्हें का डगमगा रहा है, है? ये क्या मतलब है इधर जाने का? भैया तू समझ रहे हो कि हम नाव की सैर करवे आए, हम सैर करवे ना आए। बोले तो? बोले हम तो एक ही बात तय करी कि जाना है गंगा पार, हमें गंगा के पार जाना है। तो बोले सब काम तुम्हारे ही मनते होंगे का? ने कहा तुम्हारे मनते होंगे, ने कहा तो हमारे मनते तो होंगे। बोले तुम्हार मन का है? बोले म्यो मन तो ये है कि मेरी नाव में तुम्हारे 14 वर्ष कट जाएं तो बड़ा आनंद आवे, तुम्हें जिंदगी 14 वर्ष काटनी है, है? एक पंक्ति है, जी करता यही बस जाए, हेल मिल 14 बरस बिता, तो फिर काय की आवाज आती है? जब कम करो, ये ऊपर वाला तो सही है, वो कम मत करो, बढ़ाओ। जी करता है। अब ये जो क्षेत्र के वासी जो मोते प्यार करवे वाले हैं, जब कथा पूरी होती इन्हें अच्छा थोड़ी लगता है, हैं? और पता है सबसे ज्यादा दुख तो बिनय होता है जो लाख इन खचुकत तक है, हैं? एक पंक्ति और है दूसरी सुनाऊं? जो कथा कराने वाले हैं और जो पुलंदा के पुलंदा पैसा खचुकत हैं टेंट में, व्यवस्थाओं में और साग पूरी में और पुआ में, हैं? अब पैसा खचुकत हैं और दिल का दर्द भी मोल ले लेते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत पर याद आते हैं।
जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्द दिल दिया करते, दिया नहीं दिया करते, दिल के बदले में दर्द दिल लिया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग। इसमें एक बड़ी प्यारी पंक्ति मुझे याद नहीं है, इससे पहले गाता है वो, नर नर नारा, नर नर नारा, नर नर नारा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्द दिल लिया करते हैं। हम जिनते पूछ रहे पीरे का बड़ा बाइंदे, कल कथा पूरी है जाएगी फिर तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो एक तो पैसा खर्च करी ऊपर दर्द ले लो है, ये नुकसान ही तो हुआ। तो गांव जो और लोग बाहर है तो कहे सही कह रहे, जिनते पर जो पागल है मानता तो आता ना, कहे मत खर्चो करे कछु ना धरे हो, जहाँ उल्टो रोब मिलेगो जहाँ कछु और मिले वारो। तो केवट जो यही कहता, अब मन तो ये करता है कि ऐसा सत्संग जीवन भर चले और जीवन इसी में कट जाए तो जिंदगी कितनी सुहानी हो जाए है। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल चौदे बरस बिताए, हिल मिल चौदे बरस बिताए, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन बचेगा है। भैयाओ केवट ने कही मेरा तो मन है कि जा नाव में जो 14 वर्ष गुजर जाए और तुम तो बड़ो काम बन जाए, तुम्हें रोज घुमाऊंगो घर रखूंगो, आप चिंता का ही कर रहे हो है। लेकिन राम जी ने कहा कि भैया हम न घूमबे आए न तेरे घर रहवे आए, हमें तो पार जानो है। लेकिन तौबा ने द्वचा चक्कर तो बात ही बातन में लगाए दे। भगवान ने फिर कही कि भैया अब पार कर दे। तब केवट ने एक बात और कही कि तुम पे थे पैसा मांगना रहो, रुपया मांगना रहो और कछु मांगना रहो, तुम पे फ्री में वो बैठवे में आफत आ रही है। अच्छा यूँ बताओ तुम्हें बनवास भयो है, तुम्हें जल्दी कहाँ की है, कहूँ ऑफिस में तुम्हें ना जानो, ड्यूटी पे तुम्हें ना जानो है, फिरोजाबाद में चूड़ी की फैक्ट्री में तुम्हें ना जानो, बोतल की फैक्ट्री में तुम्हें ना जानो, तुम्हें जल्दी काहे की है, आराम से बैठो है। अच्छा तुम एक बात देखना, ये जैसे कथा को बस समय है 12:45 को, पर मुझे आनंद आ रहा हो तो मैं 4:30-4:45 तक खींचता हूँ, तो तुम में तो कोई आदमी हल तो ना है ना, पर जे बाबा जी खिसकबो चालू कर देता है, जिनकी भैंस भूखी मर रही है, जिनकी जो है सामने तो ना हो तो धीमे धीमे नीचे उनार करके जाएंगे
और पीछे से साइकिल उठाई, मो माँ दी कहता है माँ, मैंने की भैया जिन्हें का भैंस भूखी मर रही है, वो बात जहाँ पे याद आई कि वो केवट यही कह रहा है कि तुम्हारे ऐसो का काम बिगड़ रहा है कि तुम्हें जल्दी परी है, हैं? अरे जरा हमें भी दर्शन करने दो, हमें भी सेवा करने दो, आनंद आ रहा है। हाँ जरा ठीक है, मैं अभी की बार पार कर दूंगा, अभी अभी नाव उल्टी चल रही है, जो कह रहा हूँ अब की मोड़ूंगो तो अब की सीधे पार करूंगा। अब बीच मझधारा में आके कह रहा है, मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीमे बहो। और गंगा मैया धीमे बहो, नाव तो चली ना रही, नाव तो है। और लक्ष्मण जी कहा सोच रहे हैं पता है कि अब तक जान दे तब देखेंगे जाए होगी सो हो। अब भगवान की बौद्धे सुन ली होने पर जाने को तत्व तो जान दे। जैसे आदमी को घूंट पी के रहते है ना कि मेरी छोरी को ब्याह न होता ना भाई एक महीना में है, तो जब सामने भाई जो जितना मुझे तो तंग कर रखा है तो जब मजा चखा देता हूँ। लक्ष्मण जी घूंट पी पी के रह रहे हैं, जैसे तैसे भैया हो पार किया उतरी ठाड़ भाई सुर शरीर उतरे ठाड़ भई सुर शरीर एक बात बताना मुझे, गोस्वामी जी ने उधर रेत का जिक्र नहीं किया जहां से नाव में चढ़े थे, और इधर जिक्र कर रहे हैं कि उतरे ठाड़ भय सुरसरे रेता। देखो कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, कभी भी नदी में दोनों तरफ रेत नहीं होता, एक तरफ नदी रेत छोड़ती है और एक तरफ किनारे से बहती है, एक तरफ किनारा होता है। उतरे ठाड़ भय। अब यहां मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, ये जो किनारे से चढ़े थे ना भगवान, जहां केवट रहता है उस किनारे में गंगा जी बिल्कुल सटी हुई है, और दूसरी साइड में जो गंगा जी हैं वहीं लगा लो, वहां रेत है। अब ये गंगा जी हैं भक्ति, और भक्ति के दो किनारे होते हैं। गंगा जी रामायण में भक्ति बताई है, सुरसरी धार राम भगत जहां सुरसरी धारा। सुरसरी कहते हैं देव गंगा जी को, ठीक है, तो वो काय की धारा है, भक्ति की, और यमुना जी कर्म की, और सरस्वती ज्ञान की। तो जो भक्ति है, भक्ति की धारा है, उसके दो किनारे होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम, ठीक है। भक्ति करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, कुछ सकाम होते हैं और कुछ निष्काम होते हैं। सकाम वे हैं जो अभी जो जिन्होंने माताएं बिठा रखी हैं, भक्ति कर रहे हैं पर माताएं कम याद कर रहे हैं, अपनी कामनाओं को ज्यादा याद कर रहे हैं कि मैया में जो काम बन जाए है, अब कि मेरी भैंस ब्यावे तो पड़िया ते ब्यावे है, पड़िया डारे, बस मैया, बस मैया पे जे काम रहेगा ते पड़िया और पड़ा देखत रहे है। तो जो सकाम लोग हैं, और एक होते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, धर्म न अर्थन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। भैया जो भक्ति है ना, भक्ति जहां जो गंगा जी हैं जिधर रेत नहीं है
उधर लोग जो रहते हैं वो है निष्काम भक्त, और गंगा जी के उस किनारे पे जो रहते हैं वे सकाम हैं। क्यों, क्या मतलब है इसका? भाई जो गंगा जी जिधर रेती छोड़ रही है उधर उनको फायदा होगा, जितनी ज्यादा रेत छोड़ देगी उतने ही खरबूजे तरबूजे कचरिया ककड़ी हैं खीरा तभी तो होंगे। और जा साइड में रेत ही ना छोड़ो माँ का होगा कुछ नहीं। तो जिधर रेत रहता है तो वे लोग गंगा जी में कम नहावत हैं, उन्हें गंगा जी नहीं चाहिए, उन्हें गंगा जी पे तो रेत चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे बीच कथा में बतरावत कहा बे मुझे अच्छी ना लगा था, मैं इतने प्यार थे इतने ध्यान थे ओवर टाइम कर रहा हूं है। एक एक बात बड़े काम की है। तो गंगा जी में जिधर बालू है उधर रहते हैं कौन लोग? जिन्हें खरबूजे करने हैं गंगा जी में थे, तरबूजे करने हैं खीरा करने हैं, बिना गंगा जी नहीं, गंगा जी नहीं चाहिए गंगा जी से चाहिए। बात समझ में आई? लेकिन जो दूसरे तट पे रहते हैं बिना ना खरबूजे चाहिए ना तरबूजे चाहिए, उन्हें सीधे गंगा जी में डुबकी लगानी है, गंगा जी से गंगा जी चाहिए है? तो ऐसे जिन्हें भगवान से केवल भगवान चाहिए, तो केवट केवट रहता कहाँ है? जिधर बालू नहीं है रेत नहीं है, केवट रहता उधर है, पर जा केवट की पहुंच है दोनों तरफ उधर भी जाता है हैं? इधर भी आता है, लेकिन जाको ठहराव इधर ही है उधर नहीं है। लेकिन हां उधर जाने वालों को उधर पहुंचा देता है और इधर आने वालों को इधर पहुंचा देता है। ऐसे ही सदगुरु का काम यही है, जो सकामी भक्त हैं उन्हें सकामता के घाट पे पहुंचा दे, निष्कामी भक्त हैं उन्हें निष्कामता के घाट पे पहुंचा दे। यही संत का काम है, यही भक्त का काम है, और ऐसा ही है ये केवट है। सीता जी ने राम जी के मन की बात समझ ली। राम जी के मन में एक बात आई का प्रभु ही सकुची ही नहीं कछु दीना। प्रभु जी के मन में संकोच हो रहा था हैं कि जाय कछु दयो नहीं। और भैयाओ एक बात बतावे, वैसे तुम्हारी राजी करे वैसे जियो करो, मेरी कोई जबरदस्ती ना, पर बतावो मेरो बोलो करो भैया बतावो मेरो, और बाकी फिर बात मानो न मानो। वो बात मानो न मानो खुशी आपकी, वो बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल यहाँ से, हम मुसाफिर हैं कल यहाँ से रम जाएंगे। पर वो संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो बात मानो न मानो खुशिया आपकी।
ये न पूछो कि रम कर के धर जाए वो जिधर भेज देगा उधर जाए वो बात मानो का काम हमारा है, चलना न चलना वो तुम्हारी इच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कभी मजूरी नहीं रखनी चाहिए। बतावे सबसे पहले जो हमारा ठाकुर बैठे हो जा हम कुछ दे देना चाहिए दे देना भाई। कभी ठाकुर की मजूरी नहीं रखनी चाहिए। दूसरे नंबर ये कभी सेवा में मना करें तो तुम्हें अपना हाथ सकोड़ना चाहिए, लेकिन जब वो 24 घंटा सेवा को तैयार है फिर तुम अपनी जेब की चैने बंद रखो तो ये ठीक नहीं है। दूसरे नंबर कभी पंडित जी की जो तुम्हारा ब्याह पड़वे आमे बाम ज्यादा खेचातानी नहीं करनी चाहिए। तुम टेंटम फूके दे रहे हो रसगुल्लनम फूके दे रहे हो लेकिन पंडित जी तो कह रहे हो पंडित तुमने करे हो का गुड़म सुड़ुम सी करिए और ना कम दम कर दी पंडित जी की है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम तो पंडित जी ही कर रहे हैं ना, जो तुम्हारे जीवन में सुख रहे शांति रहे जोड़ा सलामत रहे। बाकी ले मंत्र पढ़ रहे हैं, टेंट तो उखड़ के चले जाओ हैं और खाए भाई रसगुल्ला खाए भाई खाए गए हाथ पहुँच गए चले जाएंगे। तुमने जो लाइट लगवाई है वे रात रात में ख़त्म, लेकिन ब्राह्मण ने जो किया है तुम्हारी जिंदगी के लिए हैं वो कौन कर सकता है। दूसरा उसकी दान दक्षिणा में कभी ज़्यादा चेंचे मेंचे, लेकिन होता क्या है सबसे ज्यादा जिन दोनों के खून चूसे जाता है। बाकी सब तो जो कहते हैं तुम छूट पट्टी को बढ़िया से बढ़िया टेंट लगाइयो और 50,000 भले ही फालतू चले जाए ब्याह में, जो बस गांव में दिख जाए कि ब्याह भयो है, चूंकि पंडित जी के मंत्र से थोड़ी दिख रही है कि ब्याह भयो है। पंडित जी तो लग रही है पंडित जल्दी तुम गुणम सुणम जो कर रहे तय करो निक जल्दी कर दे और अपे जाओ। पहले हमारे नाई ठाकुर की कभी सेवा को नहीं रखना चाहिए, दूसरे विप्र की नहीं रखनी चाहिए, तीसरे नाव वाले की उतराई को नहीं रखना चाहिए, है ना। और तुम लगातार रही और कहा बताओ। मेरा नाई ठाकुर से कहने का मतलब है जितने सेवक हैं काम वाले हैं। अच्छा हमारे किसान नम पहले जो नियम हो जब खेत में जब गेहूं धरे जाते हैं और वो निकलते मशीन से तो पहले कह दिया जाते भैया अपने अपने हिस्सा को ले जाइए, है ना, अपने अपने हिस्सा को ले जाइए। तो इनकी दुआओं से व्यक्ति फलता फूलता है, ये व्यर्थ नहीं जाता। तुमने जो पान खाए के थूक दो का है वो तो व्यर्थ गयो है, तुमने जो धुआं उड़ा दो ना सिगरेट की ना कह रहा हूं कुछ और कह रहा हूं
धुआं देते रहो शाम को जैसे ही 7 बजे रोड पे आ रहे धुआं देते भाई है? एक धुआं दे रहे रोड पे बीच रोड पे ठाड़ो कह दो बीच रोड पे ठा रहे हो धुआं दे रहे सब गाड़ी को न्यो रुहात दे और न्यो डहनावे को न्यू लगे इतकू गिरो इतकू गिरो है तब तक एक जो है ना गोविंदपुर को चले आयो डॉन वो बहुत ज्यादा धुआं में हो सुबह ने मोटरसाइकिल ठाड़ी करके बाकी खनपट्टी पे एक दो खेच गए सो लाइनटीन सी जुड़ गई सो बोलो क्यों भाई तुमने मुझे मजाक में मारा है कि सही में बोले मजाक में क्यों मारा है सही में मारा है बोले तो कोई बात ना मुझे मजाक पसंद नहीं है तो ये जो धुआं देने वाले लोग हैं ना ये तो बेकार ही तो जा रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं अपनी जवानी को अपने पैसा को अपनी शर्म को अपने खानदान के कमाए हुए यश को है ना लेकिन इनको दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता हमेशा काम आता है ना इसलिए राम जी ने उतराई नहीं राखी पिय ही की सिय जान निहारी मणि मुदरी मन मोदित उतारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी अब यहाँ कछु दो नम जिद में जिद्दासी होगी वो कहेंगे ले ले वो कहो अगर ना है वो कहेंगे ले ले वो कहो तो जाम लगेगा टाइम जाए लड़ाई करेंगे कल है ना अच्छा एक बात बताऊं यहाँ कथा के अभी में जिन बालकन की श्रद्धा मानो या भाव मानो मुझे बड़ो आनंद आयो बहुत आनंद आयो मे मन लगो है नहीं कहूँ कहूँ तो मुँह है वो औगार काटनी पत्ते कहूँ कहूँ इन्हों लगते हैं 4 कब बजे 4 कब बजे लेकिन यहाँ मुझे आनंद आ रहा है भाव है कि श्रद्धा है कि क्या है कि कमाई खून पसीना की है कि कहाँ है ना खून की तो नहीं होगी पसीना की होगी खून निकलता हुआ मैं है अच्छा खूनू बढ़ रहा है अरे तो खून पसीना दोनों ही है फिर है तो ठीक है चलो खून पसीना की तो है ही मुझे सबसे अच्छा लगता है इस परिवार में प्रेम बहुत अच्छा है आपस में जो है आज हमारा जो मुकेश बता रहा था कि इन दोनों भैया जो है अभी भी एक ही संग रोटी खावत है बताओ अभी भी न्यारे है बहुत साल है गई लेकिन अभी भी एक ही गाड़ी पे जाते हैं काम करवे और एक ही संग रोटी खाते हैं एक ही संग रहते हैं धन्य है ऐसे भाइयों को वैसे जिनके घरवाई तो फुकते होंगी कि अब ना अलग है रहे अच्छा नहीं फुकते हो तो बहुत अच्छी हैं भली मान से भले खानदान की हैं पर वैसे ऐसे भैया भैया ने प्यार देख के घरवाई तो फुकते हैं यूँ कहते हैं कि तो जय के संग रहे तो मो का ही बुलायो है तू जय के संग रहे हैं पर यदि दोनों अच्छी हैं तो फिर बहुत बढ़िया जिनकी कहाँ है दो घरवाई जिनकी आते हैं यहाँ भोजन बना रही होंगी मौका अरे आज मेरा नंबर है अच्छा तो कैदियों में इनमें खुश हूँ बिनते हाओ हाँ भैया भैया के प्रेम को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में प्रेम हो तो दौलत हो या न हो सोना चांदी हो या न हो और माँ बाप का भी आशीर्वाद मिलता है माँ बाप जब देखते हैं ना कि आपस में प्यार है
तो फिर माँ बाप कहते हैं कि हम भूखे सो लेंगे, पर जब प्यारे देख के आंखें भर आती हैं, है ना। और यदि बालकन में खटपट हो तो सबसे पहले माँ बाप मत हैं बेचारे, हैं कौन किसी कहे। हाँ जाके कहो तो जाके बोले हो, जाके कहो तो जाके बोले। और दो तरफ थे गाड़ी पर, फिर कहते माँ बाप तो बेचारे कितर किनारे थे, नेक बोले। अच्छा कबो को तो बिना बोले पर उन लोगों ले ले लिपि में ले लेता मैंने। हाँ तू तो बेतई को मरेगी, मैयो तो कहते हैं सास थे, तू तो बेतई को मरेगी मुझे पता ही है। तो जब खटपट होती है तो सबसे ज़्यादा मरे वो माँ बाप का होता है ना। लेकिन ये जो आपस में जब प्रेम करते हैं ना लोग, तो पता है माँ बाप को तो इतनी खुशी और आशीर्वाद अपने आप मिलता है। तुम फिर कछु करो, बने की सेवा करो चाहे मत करो, वे आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ऐसा लग रहा है दिल लूटने वाले जादूगर गा रहे हैं। यहाँ कथा करवे में आनंद बहुत आयो, तुम सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद, खूब भगवान ऐसा बनावे तुम्हें कि फिर कब मुझे बुलाए फिर आनंद आवे। ऐसा देखो ज्यादा भीड़ की बात नहीं है, बात भाव की होती है, है? भीड़ तो नौटंकी में बहुत होते हैं, है ना। हाँ लेकिन भाव जहाँ होता है, जहाँ चार हृदय से भरे हुए बालक हो, सेवा का भाव हो, है? कहाँ आए, गोविंदपुर आए। अरे वाह, क्या तीन चार साल आ गई होंगी, तीन चार साल आ गई होंगी भाई, चार साल आ गई हैं, तभी त्यास लगाए बैठे। सबरी करे रही रास्ता साफ है, है? आगे कैसे, सबरी करे रही रास्ता साफ, रामजन कब घर आवेंगे, है? तभी को बाट देख रहे हैं, फोन ना जानते ही? अब सीख लियो, आओ अब तो सीख लियो, कथा सुनबे कू, अब जो कथा है रोज देखो करियो। हाँ है ना, ऊपर अभी ना भेज रहे, अभी तो है अभी तो। अच्छा अब जो तो ऐसे बतराने लगे घर की तरह मुझे। अच्छा तुम्हारे जा क्षेत्र में सब बात बढ़िया है, पर एक ही बात खराब है। बात जो खराब है कि 4:45 कोई ठाड़े हुए को नाव ना ले रहा। अब ठाड़े आ जाओ, रागो ना। नाच भी को गाए थे बढ़िया सो, ये का कह रहे हो सुनियो। ए बात अच्छो निकाल लो, मैंने तू जन कहाँ पीछे डोल रहा है। निरेगा राधे राधे दाएंगे।
रे मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए हो राधे राधे गाए श्यामा श्यामा गाए राधे राधे गाए श्यामा श्यामा गाए तेरा कोड़ी तेरा कोड़ी तेरा कोड़ी लगे ना सदाब राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे भाग्य बिहारी लाल की जय हो। देखो भैया ऐसे तो गा भी मन लगेगा ना तुम मई के भी मटक रहे हो जोर से नाचो हरि बोल जाए तेरे बन जाए बिगड़े
सारे सा